हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, और नंबर चार क्या हो गया लास्ट वाला सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर किसको कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर सर्वाधिक छोटा कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो माने छोटा होना, छोटा होता ही है, उसका अर्थ ही निकालेंगे तो यही। माइक्रो कंप्यूटर सर्वाधिक छोटा कंप्यूटर होता है। इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट एक ही चिप के रूप में लगे होते हैं। इसकी साइज छोटी होती है, इसकी प्रोसेसिंग साइज छोटी होती है तथा कार्य क्षमता अन्य कंप्यूटरों की अपेक्षा अधिक होती है। इसको माइक्रो कंप्यूटर को 1974 में इसको लाया गया, जिसको 88 को से के नाम से पहला माइक्रो कंप्यूटर व्यक्त किया गया। ATAIR 8800 नाम से पहला माइक्रो कंप्यूटर व्यक्त किया गया। ठीक, तो यह सबसे जैसे वो है एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, छोटा लैपटॉप है, या छोटी मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर से भी छोटा एक डेस्कटॉप है, बहुत छोटे छोटे आप आ रहे हैं जो माइक्रो बिट सपोर्टेड बताए जाते हैं, सब माइक्रो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। ठीक, सब वो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। अब दूसरा देखिए मिनी कंप्यूटर, ये आपने तो देख लिया है। दूसरा देखिए मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़ी बड़ी होती है, उसकी प्रोसेसिंग साइज थोड़ी बड़ी होती है तथा कार्य क्षमता, तेजी से कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक, तेजी से कार्य करने की क्षमता होती है। देखिए यह माइक्रो कंप्यूटर की है, माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा इसकी प्रोसेसिंग साइज थोड़ी बड़ी होती है तथा कार्य क्षमता, अधिक से कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे हो गया टेबलेट, हो गया लैपटॉप, हो गया, ये सब मिनी कंप्यूटर के आते हैं। मिनी कंप्यूटर, मिनी मतलब छोटा कंप्यूटर, मिनी मतलब छोटा कंप्यूटर, और छोटा कंप्यूटर क्या हो गया, मोबाइल से जो बड़ा हो और लैपटॉप से जो छोटा हो, मध्य में क्या है, टेबलेट है, लैपटॉप है, ये सब क्या हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया। अब नंबर तीसरा देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। मेन मतलब मेरा कंप्यूटर, और मेरा जब कंप्यूटर कोई है तो पर्सनल कंप्यूटर माना गया। मेन फ्रेम मतलब मेरा कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। जो हमारे घरों, ऑफिस, कारखानों में लगे कंप्यूटर होते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप इत्यादि, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत अधिक होती है तथा अत्यधिक मात्रा में गणना करने के लिए सक्षम होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता भी अधिक होती है। और नंबर चार सुपर, इसके नाम से ही जानिए, सुपर माने बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक, नाम में ही बड़ा है तो काम में भी बड़ा होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसमें एक साथ कई कंपोनेंट सीपीयू जुड़े हुए रहते हैं, जिससे वह कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, मौसम की जानकारी, वैज्ञानिक क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में, तथा एक साथ कई करोड़ लाखों गणनाएं वह सेकंडों मिनटों में कर लेता है। यह अपने मन की गति किससे भी तेज करता है। जैसे मान लिया आपने सोच लिया ना कि हम बम्बई अपने मित्र के पास पहुंच गए, तो मन आपका जैसे पहुंचा इतना आप कहे कि आप बम्बई पहुंच गए, मन उसी के अनुसार जितनी आप स्पीड से सोच रहे हैं उसकी दूनी स्पीड से वह आपको कार करके पहुंचा के, बम्बई पहुंचा के छोड़ेगा कि जब बिना गाड़ी हो हेलीकॉप्टर से तो बम्बई हम पहुंचा दे। इसका इतनी क्षमता होती है। यह डिजिटल और एनालॉग
कंप्यूटर की अपेक्षा 10,000 गुना लाख अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ठीक है। अब ये डिजिटल टाइप कंप्यूटर सफल हो गया। अब दूसरा टाइप का कंप्यूटर का दूसरा टाइप जो है हम आपको बताने चल रहे हैं, कंप्यूटर का टाइप नंबर 2। तो कंप्यूटर का दूसरे टाइप का नाम है एनालॉग कंप्यूटर। नंबर 2 टाइप जो होता है एनालॉग, ANALOG एनालॉग कंप्यूटर, COMPUTER एनालॉग कंप्यूटर। इसका हिंदी होता है अनुरूप कंप्यूटर, अनुरूप कंप्यूटर, अनुरूप कंप्यूटर ठीक। एनालॉग कंप्यूटर मतलब हिंदी होता है अनुरूप कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वह होता है जो भौतिक राशियों को मापने में प्रयोग किया जाता है। अब भौतिक राशि क्या होते हैं? फिजिकल, फिजिकल वर्ल्ड ठीक। भौतिक राशि मतलब फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड किसको कहा जाता है? जैसे जिसमें लिक्विड हो, लिक्विड भरा द्रव जो होता है उसको कहते हैं फिजिकल, फिजिकल वर्ल्ड। जैसे आयल हो गया, वैसे आयल और वाटर मतलब पानी, पानी डीजल पेट्रोल ये सब क्या हो गया, ब्लड शरीर का खून ये सब क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया है। भौतिक राशियों को मापने हैं मतलब वो खाली मापता है, हैं कि हैं क्या इसकी स्पीड की मापता है कि ये कितने में है, मतलब कितना ग्राम है कि लीटर में है और कितने रुपया हो सकता है, इसी के बारे में इसमें पूछता है एनालॉग कंप्यूटर ठीक। तो भौतिक राशियों को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, पेट्रोल पंप में लगा रहा कंप्यूटर जो मात्रा को माप कर मूल्य की गणना करके डिजिट के रूप में शो करता है। जैसे हम 25 रुपया हमारे पास है और हमको विष्णुपुरवा तक जाना है तो 25 का डलाएंगे, दूसरे गाड़ी है डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर रहेगा तो 25 ही पड़ेगा, 26 नहीं होगा। आराम से हनुमानगंज में जाएंगे और चले आएंगे, किराया है 40 रुपया और 25 का पेट्रोल पड़ा, 15 बच गया, चाय पानी पिए चले आए। तो उसी तरह से है ठीक है एनालॉग कंप्यूटर जो भौतिक राशियों को मापने हैं प्रयोग किया जाता है। जैसे पेट्रोल पंप पे लगा एनालॉग कंप्यूटर जो मात्रा को माप कर मूल्य की गणना करके डिजिट के रूप में शो करता है ठीक। अब तीसरा नंबर टाइप ऑफ कंप्यूटर का तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, HYBRID हाइब्रिड कंप्यूटर, COMPUTER। इसका मतलब होता है, इसकी हिंदी होती है संकर कंप्यूटर, संकर कंप्यूटर, संकर कंप्यूटर मतलब मिश्रण। अब हाइब्रिड कंप्यूटर इसका हिंदी जनपद संकर, और संकर मतलब मिश्रण होता है जहाँ एक से अधिक लोग मिलकर कोई कार्य करते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वह होता है जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटरों के गुण मिले हुए होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर वह होता है जिसमें डिजिटल DIGITAL डिजिटल प्लस एनालॉग ANALOG एनालॉग, एनालॉग दोनों कंप्यूटरों के गुण मिले हुए रहते हैं वह हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। जैसे ECG, जैसे आप ब्लड, जैसे आप ECG अस्पताल में जाते हैं हॉस्पिटल, इसका मुख्य कार्य है हॉस्पिटल वर्क। हाइब्रिड कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? हॉस्पिटल मतलब अस्पताल का कार्य करना। तो उसमें देखेंगे जहाँ ऑपरेशन हुआ रहता है उसके बगल में लिखा रहता है ECG। ECG में क्या होता है? ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, की ब्लड प्रेशर कितनी रफ्तार से चल रही है, टेम्परेचर कैसा है, वह हाइब्रिड
है उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर की मशीन लगी होती है जिसमें कैलकुलेट करके बताता है कि ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है। ठीक, हम आपको बता दें कि 120 से लेके 140 के बीच में ब्लड प्रेशर रहता है नॉर्मल। 120 से अगर कम हो गया तो ब्लड प्रेशर लो, शरीर पूरी ठंडी, और 140 से अधिक हो गया तो खून की रफ्तार अधिक हो जाएगी, गुस्सा अधिक लगेगा, इच्छा कहेगा किसी को खा जाए पूरा दिन में। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये पहले चैप्टर का संपूर्ण है, कंप्यूटर का परिचय इसमें आपने प्राप्त किया। दूसरा चैप्टर आपका इसके बाद स्टार्ट होगा, आप उसको